काश मेरे भी पंख होते जिनसे मैं असीमित आकाश में उड़ सकती। काश मैं हिरन की तरह लंबे लंबे छलांग मार दौड़ सकती। काश मेरे में इतनी ताकत होती कि मैं हर चुनौती का सामना मानसिक और शारीरिक शक्ति के साथ कर सकती। ऐसे है कि हम 4 साल का रेंट तो क्लेम कर नहीं सकते उनसे, क्योंकि एक्ट ऑफ लिमिटेशन इज देयर। हम 3 साल का उनसे क्लेम कर सकते हैं, उस 3 साल का हम लोग पूरा क्लेम कर सकते हाँ हैं। 3 साल का पूरा क्लेम कर सकते। काश मेरे में इतना धैर्य और इतना कौशल होता कि मैं सही समय पर सही निर्णय ले अपने आप को और दूसरों को न्याय दिलवा सकती। 5 मेंबर हैं, आपके पास जगह भी कम है। और काश, नहीं, काश तो मैं तब बोला करती थी जबकि मुझे ये सब नामुमकिन सा लगता था, लेकिन आज आज मुझे वो पंख मिल गए हैं जिनकी मुझे तलाश थी, और वे दो पांव जिनसे लंबी लंबी छलांगे मारकर मैं कहीं भी पहुंच सकती हूं। लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा इतनी ताकत का, उस धैर्य और कुशलता का, जबकि आज भी हमारी कुसुम को खुलेआम जला दिया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 92% लड़कियां शहरों से और 77% लड़कियां गांवों से प्राथमिक कक्षा में भर्ती तो होती हैं, पर माध्यमिक कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं लड़कियों की संख्या घटकर शहर में 67% और गांवों में 30% रह जाती है। मतलब यह है कि हर साल हमारे देश में करीब 25% लड़कियां शहर से और 47% लड़कियां गांवों से पढ़ाई छोड़ देती हैं। चिंता की बात तो यह है कि पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हमारी कोशिशें काफी हैं? कहीं हमसे ही तो कोई कमी नहीं रह जाती? ऐसे में क्या होता है हमारा फर्ज? मैं तो सिर्फ एक प्राथमिक शिक्षिका हूँ, लिंग भेद तो घरों से ही शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपकी छात्राओं के साथ उनके घरों में किस प्रकार लिंग भेद होते हैं?
या वे घरों में ऐसी स्थितियों का सामना किस प्रकार करती हैं जहां कि उन्हें निरंतर यह एहसास दिलाया जाता है कि वे अपने भाइयों से कम हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप अपनी छात्राओं की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? जब से टीका लगा है बस रो ही रहा है। चुप बबलू, ना क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तू? हाँ, पर मैं कहाँ रो रही हूँ? लेकिन मैंने कब कहा कि तू रो रही है? क्यों, बबलू को अभी नहीं कहा कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? क्या सिर्फ लड़कियाँ ही रोती हैं? अरे बेटा, मम्मी तो बस वैसे ही कह रही है। नहीं, मत कहा करिए इस तरह की बातें। जी हाँ, यही कोशिश करनी है हमें कि छात्राएं अपनी स्थितियों का मुकाबला खुद करना सीखें, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें विद्यालयों की चारदीवारी में होने वाले लिंग भेद को खत्म करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप लिंग असमानता से सहमत हैं? क्या आप चाहती हैं कि यह खत्म हो? पर आप तो इसे उल्टा बढ़ावा दे रही हैं। क्या झाड़ू करना सिर्फ लड़कियों का काम है? लड़के अगर झाड़ू करेंगे तो क्या उनका स्तर घट जाएगा? जी नहीं, लड़के लड़कियां दोनों को एक साथ झाड़ू करने के लिए बोलिए। इससे उन्हें श्रम के महत्व का एहसास होगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और यही सोच हमें उनके दिमाग में डालनी है। आप अभी भी लिंग असमानता को बढ़ावा दे रही हैं। लड़के लड़कियों को एक साथ काम करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, और अच्छा तालमेल कैसे बनता है? बिल्कुल सही, आपको हर उस मौके का फायदा उठाना है जो कि आपको आपके मकसद के करीब ले जाता हो।
बच्चों कल जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें से मैं तुम्हें कुछ सवाल जवाब करूंगी और एक सवाल का जवाब मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप अपने कॉपी पर लिखो। प्रश्न है, राखी के दिन सुरेश ने कोमल को क्या वचन दिया? उत्तर लिखे, राखी के दिन सुरेश ने कोमल को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन आप बच्चों को पढ़ा तो यही रही हैं। सुरेश ने कोमल को वचन दिया कि वो उसकी रक्षा करेगा, क्यों? कोमल अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। पर ऐसा तो पाठ्य पुस्तक में लिखा है। आपको अभी इसी वक्त एक निर्णय लेना होगा कि आप पाठ्य पुस्तक के अधीन है या फिर पाठ्य पुस्तक आपके अधीन है। विरोध कीजिए ऐसे पाठों का जो कि लिंग असमानता को बढ़ावा देते हैं। क्या हमेशा रेशमा ही अपनी माँ की सहायता करती रहेगी? उसका भाई क्यों नहीं? भला गणित में इस तरह के उदाहरण क्यों लिए जाए जो कि लिंग भेद को बढ़ावा देते हैं? इस प्रश्न में बालक बालिकाओं के घरेलू कार्यों में समान प्रतिभागिता पर जोर दिया गया है, इसलिए हम प्राथमिक शिक्षकों को ये खास ध्यान रखना है कि गणित पढ़ाते समय हम ना ही ऐसे विशेषणों का प्रयोग करें जैसे कि घरेलू या कमजोर औरत या ताकतवर आदमी, और ना ही अपने प्रश्नों द्वारा इस तरह के कोई संकेत दें। इस प्रश्न में घर के बाहर नारी की बदलती भूमिका को दर्शाया गया है। ऐसे ही प्रश्नों द्वारा गणित के अध्यापक बालिकाओं के दिमाग में सही समय पर सही छाप छोड़ सकते हैं। इस उदाहरण को हम लिंग असमानता के खिलाफ गणित का एक और पहलू भी कह सकते हैं। क्या बात है? मुझे भी क्रिकेट खेलना है। ये क्रिकेट है, लंगड़ी टांग नहीं। जानती हूँ, ये लड़कियों के खेलने की चीज नहीं है, बॉल से चोट भी लग सकता। मुझे एक बार बल्ला तो देकर देखो। चल चल भाग यहाँ से। क्यों, मैं तुम लोगों से अच्छा खेल सकती हूँ इसलिए डर गए?
चल यार दे देते हैं बल्ला, पहली बॉल पर शॉट करके भगा देंगे। जल्दी आउट करो यार इसको। जल्दी आउट कर यार। पहली बॉल पे आउट कर दे। आउट कर देना। ओ यार। जल्दी यार। चलने की कोशिश तो बालिकाओं को स्वयं करनी होगी। और फिर गणित और भाषा के अलावा और भी तरीके हैं अपने मकसद तक पहुंचने के। मैं तो लड़कियों से कहती हूं कि वो ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो कि महिलाओं की सक्षमता को उजागर करें। राजकुमारी रहती थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो बहुत बहादुर भी थी। तस्वीरें बदलने में देर नहीं लगती है। आप अपनी छात्राओं के साथ हुए अपने अनुभव और अपनी उपलब्धियां हमें लिख भेजिए, शायद मिलकर हम कोई